हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट कैम। दोस्तों, आज के इस सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि लॉफ्टेड कट क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपके लिए एक मैंने बॉडी टाइम सेविंग के लिए एक पहले से ही जो एक बॉडी बना रखी है लॉफ्टेड कट में, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जानेंगे कि लॉफ्टेड कट क्या होता है। जैसे हमने पहले लास्ट लेक्चर में स्विफ्ट कट जाना था, उसी तरीके से लॉफ्टेड कट है। जो जैसे लॉफ्ट गोस बेस में हमने ये इस तरीके से ड्राइंग जो ये बनी है, इस तरीके की बॉडी हम बनाते थे। तो अगर इसके अंदर कोई हमें प्रोफाइल यानी तीन चार प्लेन के हिसाब से जो प्रोफाइल अगर कट करनी है तो हम कैसे करेंगे, वो चीज़ इसमें देखेंगे। तो अगर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो दोस्तों, सबका देखते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ये प्लेन, मेरे जो हाइड है पहले मैं इनको शो कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल ये करके इसे राइट क्लिक करेंगे, ये आ गया शो का बटन, शो हो गए। तो ये देखिए, चारों प्लेन मेरे इस टाइम यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, एक एक करके मुझे इस पर कुछ प्लेन पे एक ज्योमेट्री बनानी होगी, ठीक है। जैसे ये कर ले, अब इस तरीके से दिख नहीं रहा तो इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक सर्किल बना लेता हूँ, छोटा सा, ठीक है, इतना बना लेता हूँ, ठीक। एग्जिट हो जाऊँगा, ओके, और एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखो बन चुका है। इसके बाद जो है दूसरा प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ भी प्रोफाइल बना देंगे जो आपको लगे। मैं मान लो बना देता हूँ एक छोटा सा, एक और सर्किल बना देता हूँ, ठीक है, बड़ा इससे थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लो इतना बड़ा बना देता हूँ मैं, ये इससे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक। ये बड़ा बना दिया और इससे भी एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा प्लेन पर देखो बन चुका है। और इसके बाद अब मैं चाहता हूँ इस पर कुछ बना दें, तो कंट्रोल एट, इस पे मान लीजिए मैं बना देता हूँ एक रेक्टेंगल छोटा सा, ठीक है। इस तरीके का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और ये बन चुकी हैं तीन। अब इसके नीचे वाले उस पे मैं बना देना चाहता हूँ एक और प्रोफाइल को ही, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और स्केच नॉर्मल, इस पे मान लीजिए और मैं एक सर्किल ही बना देता हूँ, ठीक है। मान लो इसका सर्किल थोड़ा सा मैं इस साइज का बना देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये मेरे तीनों चीज़ें बन चुकी हैं, ठीक है। चारों चीज़ें मैं बना चुका हूँ, ये देखिए तीनों प्रोफाइल। अगर अब मैं चाहता हूँ कि इस साइज का कोई भी इसके अंदर जो मुझे कट करना हो तो मैं लूफ्ट कमांड की उसके हिसाब से करूँगा, तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होगा और कोई कमांड। तो अब मैं यहाँ पे जाएंगे लूफ्ट कट, ठीक है। जैसे आएंगे यहाँ प्रोफाइल आ गया सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट करो प्रोफाइल, ये देखिए ये तुम कर लिया, ये देखिए और ये देखिए, ये इस तरीके से जो है कट अपना शो करने लगा। ये अच्छा है, दूसरी चीज़ क्यों सेलेक्ट हो गई, ये नहीं करना था, कंट्रोल जेड, ये वाला फेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, और ये बॉडी सेलेक्ट करनी है एक्चुअल में, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके का ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ये बन चुका है। अब इसे कट करेंगे तो ये कट हो गया अब, बट आपको इसे दिख नहीं रहा कट, ठीक है, ये कट दिख नहीं रहा क्योंकि ये इनसाइड है। तो मैं अभी अभी थोड़ा सा क्या करता हूँ, प्लेन को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपको प्लेन हाइड कर दूंगा तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी, और ये कर देता हूँ हाइड, बॉडी दिखेगी। और मैं इसे सेक्शन व्यू में काट के दिखाऊंगा, ये देखिए। अब आप देखेंगे, ये देखिए अंदर से आपका इस तरीके का पहला राउंड था, ये प्रोफाइल जो हमने बनाया था उस तरीके की प्रोफाइल कट चुकी है। ये देखो पूरा हमारा कटने के बाद पूरा रेडी हो चुका है। ये इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा। और इसमें अभी और कुछ दूसरी चीज़ें भी रहेंगी, लॉफ्टेड कट गाइड वाला रह गया, तो वो अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके दोस्तों करते बहुत कमाल का फीचर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये कटा हुआ है। और इसे जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पर ये देखने के लिए सेक्शन व्यू में हम इसको देख सकते हैं, अंदर से पूरा इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।
और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।